सभी मित्रों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। तो मित्रों, आज फिर संधि का भाग तो लेकर के आप सभी के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ और मेरा संधि का पार्ट वन जो था उसको काफ़ी रिस्पांस दिया आप लोगों ने और उसी के तहत अपने आज संधि का पार्ट टू करेंगे। और पहले पार्ट में हमने पढ़ा था संधि का बेसिक नॉलेज लिया और उसके साथ साथ हमने स्वर संधि का प्रथम पार्ट भी पढ़ा था। स्वर संधि का प्रथम पार्ट दीर्घ स्वर संधि। और अब आज आगे पढ़ेंगे अपने गुण स्वर संधि। लेकिन आगे जाने से पहले मैं आपको दो चार एग्जांपल करवा देता हूँ दीर्घ स्वर संधि के और उसके बाद अपने पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। तो वीडियो शुरू होने से पहले मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कॉमेंट करें। और अब अपने शुरू करते हैं अपने संधि का पार्ट टू गुण स्वर संधि से। उससे पहले मैं आपको दो चार एग्जांपल बता देना चाहता हूँ, जैसे दीप प्लस अवली, दीप प्लस अवली। अपना काम ये होता था कि प्लस से पहला और प्लस के बाद वाला स्वर को बाहर निकालना। तो यहां पर देखो मित्रों, प्लस से पहले प में स्वर कौन सा है? ए। प पूरा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब स्वर कौन सा है इसमें? ए। क्योंकि व्यंजन तो अपने आप में हमेशा ही क्या होता है? अधूरा होता है। प में ए मिला था तभी तो प पूरा हुआ था। प को वापस मूल स्थिति में लेकर आगे स्वर जो था ए उसको हमने बार किया, आगे से उठाएंगे ए। बस अपना काम संधि में यही होगा कि प्लस से पहला और प्लस के बाद वाला वर्ण उठाना। आगे पीछे जैसा है वैसा का वैसा लिखेंगे मित्रों। ए प्लस ए समान स्वर है तो ए प्लस ए दो स्वर जुड़ेंगे, एक स्वर बनेगा। और ए दोनों साइड में ए तो यहां पर एक स्वर लिखेंगे और वो कौन सा लिखेंगे? जो बड़ा है। और बड़ा कौन सा होता है? आ। आगे पीछे जैसा है वैसा का वैसा लिखेंगे, कंप्लीट को जोड़कर लिखेंगे आधा प, इसके जस्ट बाद स्वर आ। हमने पढ़ा कि आधे क में आ जोड़ने पर यदि का बनता है तो आधे प में आ जोड़ने पर क्या बनेगा? पा। यानी व्यंजन में स्वर जुड़ता है, न स्वर की मात्रा जुड़ती है न कि स्वर खुद। जैसे हमने मात्राएं पढ़ी तो ये मात्रा होती है आ की, इसमें हमने प लिख दिया तो क्या बन गया? पा। और शब्द बनेगा अपना दीपावली, दीपावली। हिम प्लस आलय हिमालय, या नदी प्लस ईश, नदी प्लस ईश। प्लस से पहले और प्लस के बाद वाले स्वरों को उठाना है। बताओ फिर दय में स्वर कौन सा है? बड़ाई। आगे स्वर कौन सा है? बड़ाई। उठा लो दोनों को, उठा लिया। आगे पीछे जैसा है वैसा का वैसा लिख दो। यहाँ पर दो स्वर आए अपने, एक बड़ाई और बाद में भी बड़ाई, मतलब दोनों समान स्वर है तो दोनों के स्थान पर एक एक स्वर बनाएंगे और वो क्या होगा? बड़ा ई। ये कंडीशन है, आधा दय इसमें बड़ाई जोड़ो, दय पर बड़ी की मात्रा, लास्ट में स, शब्द बनेगा मित्रों अपना नदीश। इसी प्रकार जैसे रवि प्लस इंदर, प्लस से पहले वह में बड़ाई, आगे छोटाई, दोनों को उठाएंगे, दोनों समान स्वर, एक बड़ाई करेंगे दोनों के स्थान पर, जोड़ेंगे कंप्लीट को, आधा वैस में बड़ाई जोड़ो, बड़े की मात्रा और शब्द बन गया रविंदर। अब प्रॉब्लम काफी बार ये आती है कि जैसे इंदर में मैंने छोटाई लिख दिया, इस में मैंने बड़ाई लिख दिया, तो कहां पर बड़ाई आएगा, कहां पर छोटाई आएगा, कहां पर छोटा ऊ आएगा, कहां पर बड़ा ऊ आएगा। तो इसके लिए मित्रों जैसे अपने नेक्स्ट पार्ट थ्री में जो लाऊंगा, तो नेक्स्ट पार्ट थ्री के अंदर आप सभी को ये सारी बातें क्लियर करके बता दूंगा कि कहां पर आपको बड़ा ई लगाना है, कहां पर आपको बड़ा
ऊ लगाना है, कहाँ पर छोटा ई लगाना है और कहाँ पर बड़ा ऊ लगाना है, तो वो पूरा एक पार्ट रहेगा उसके लिए। तो आज अपने नेक्स्ट गुण स्वर संधि शुरू करते हैं। तो ये तो कुछ एक एग्जाम्पल पीछे वाले संधि के थे, दीर्घ स्वर संधि के। मित्रों संधि कंप्लीट तभी समझ पाते हैं अपने जब इसके खुद ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल निकालें। आपके पास जितने भी बुक, जितने भी प्रकार की कोई भी गाइड पड़ी है, तो उसमें जितने भी एग्जाम्पल मिले सारे के सारे एग्जाम्पल निकाल कर देखो, और फिर कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो मुझसे कन्फर्म करो, आपको मैं 100% समस्या का समाधान करूंगा। लेकिन इसमें संधियों में कुछ एक अपवाद आते हैं, हालांकि संस्कृत में वो सूत्र के तहत शोल हो जाते हैं, हिंदी में भी होते हैं, लेकिन हिंदी में उनको अपवाद बोल देते हैं। तो जैसे दीर्घ संधि अपनी स्वर संधि कंप्लीट होगी, तो स्वर संधि के कौन से पार्ट में कितने अपवाद होते हैं वो भी अपना एक वीडियो अपलोड किया जाएगा, वो भी सारे के सारे अपवाद भी करेंगे। तो अब दूसरी आती है आपकी गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में क्या होता है मित्रों, कि प्लस से पहले ए या आ हो, प्लस के बाद छोटा ई या बड़ा ई हो, तब आपको दोनों के स्थान पर ए बना देना है। मतलब यदि ए या आ में ई जोड़ेंगे तो वहां पर ए बनेगा, दो में तीन जोड़ेंगे तो पांच बनेगा, दो में तीन जोड़ेंगे तो पांच बनता, उसी प्रकार दो में चार जोड़ेंगे तो छह, ए या आ में ई जोड़ेंगे तो ए बनेगा, उसी प्रकार से ए या आ में ऊ जोड़ेंगे तो ओ बनेगा, और इसी प्रकार ए या आ में री जोड़ेंगे तो अर बनेगा, अर में रह आधा होगा। तो ये परिभाषा रहती है मित्रों गुणस्वर संधि की, कि यदि ए या आ के बाद छोटा ई या बड़ा ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है, ए या आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है, ए या आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। अब देखो कैसे होगा, जैसे रम्मा प्लस ईस, रम्मा प्लस ईस, हमें स्वर केवल प्लस से पहला और प्लस के बाद वाला, ये दो स्वर लेने होते हैं मित्रों। जैसे प्लस से पहले मैं में स्वर कौन सा है, ये मात्रा आ की, आ को बार करेंगे मैं आपका आधा, आगे स्वर कौन सा मिल गया, अब ई, लास्ट में बच गया स। अब देखो मित्रों दीर्घ स्वर संधि में तो आ के बाद में या तो आ सकता था या ए आ सकता था, मतलब समान स्वर, अब तो अलग अलग स्वर हो गए, अब आ गया आपका ई, तो अब रूल फॉलो करेंगे गुण स्वर संधि का। गुण में क्या होता है कि ए या आ के बाद, आ के बाद बड़ा ई आए तो उसके स्थान पर ए हो जाए, यानी आ प्लस ई में दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ए। अब इन दोनों को यहां से हटाएंगे और दोनों के स्थान पर स्वर लिखेंगे ए, आगे पीछे जैसा है वैसा का वैसा लिख दो, ये लो जी लिख दिया। अब कंप्लीट को जोड़कर लिखना है तो आधा मैं व्यंजन है, व्यंजन में स्वर जुड़ेगा ए, तो आधा जैसे अपने पास पहले था आधा कै, हमने जो बारखड़ी बनाई, ए जोड़ने पर क्या बना था के, मतलब कै पर किसकी मात्रा आ जाती है, ए की मात्रा, तो मैं में भी ए जोड़ेंगे तो ए की मात्रा मैं पर, मे, और लास्ट में है स, शब्द बनेगा आपका रमेश, संधि पूछ ली जाए तो गुण स्वर संधि। उसी प्रकार से यथा प्लस उचित, यथा प्लस उचित, अब प्लस से पहले स्वर बताओ मित्रों, थै में स्वर कौन सा है, आ, आ को बार करेंगे थै आपका आधा, आगे से स्वर उठाएंगे ऊ, संधि तो इन्हीं दो स्वरों के बीच में होती है, आगे पीछे जैसा है वैसा का वैसा लिखेंगे, जोड़ेंगे आ के बाद में क्या स्वर आ गया, आप ऊ, आ के बाद में स्वर आ गया आपका ऊ, तो दोनों के स्थान पर क्या लिखेंगे, ओ,
दोनों के स्थान पर लिखेंगे ओ, आ प्लस ऊ जुड़ जाएंगे और जुड़ने पर दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। आगे पीछे जैसा है वैसा का वैसा लिखेंगे। अब आधा था इसके जस्ट बाद छोटा ओ आ गया, भी हमारे पास आधा क्या था, इसमें हमने ओ जोड़ दिया तो क्या बन गया था, को। इसी प्रकार से आधा था इसमें ओ जोड़ने पर थो, यह थो, आगे चित, तो शब्द बन जाता है मित्रों अपना यथो चित। हो सकता है कि कोई मेरा दूसरा पार्ट देख रहा है, जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा तो हो सकता है कि उनके कम समझ में आए। यदि जिनको संधि रियली में ही सीखनी है, जिनका मन है संधि सीखने का, तो मित्रों मेरा संधि का पार्ट फर्स्ट जरूर देखें, और यदि फर्स्ट पार्ट देखोगे तो दूसरा भी आपके समझ में आराम से आएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। इसके अलावा जैसे आगे और पढ़ते हैं अपने कि ए या आ के बाद में री आए तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, अर हो जाता है। जैसे मैं लिख दूं कि राज प्लस ऋषि, प्लस से पहले स्वर कौन सा है, जय में ए, तो ए को मैंने बार कर दिया, आगे स्वर कौन सा है, री, और लास्ट में बच जाता है सी, तो ए प्लस री, ए प्लस री क्या बनेगा मित्रों, अर। ध्यान में इतना रखना है कि रे यहां पर क्या होगा, आधा, रे यहां पर आधा। आगे पीछे जैसा है वैसा का वैसा लिखेंगे, दोनों को जोड़ने पर बनेगा अर, अर का रे हमेशा क्या होगा, आधा। आगे पीछे जैसा है वैसा का वैसा लिखेंगे, कंप्लीट को जोड़कर लिखना है। अब देखो मित्रों यहां पर जय आपका आधा है, जय आधा है, तो जय के जस्ट बाद स्वर ए, जय में ए जुड़ेगा, आपका जय पूरा लिख दिया। अब बचा आधा रे, लेकिन आगे स्वर नहीं, यदि कोई स्वर होता तो रे पूरा हो जाता मिलकर के, लेकिन अब स्वर नहीं है, आधा रे और सह से पहले पढ़ना है, तो मित्रों ये जाएगा सह के ऊपर, शब्द बन जाएगा राज ऋषि। इसी प्रकार से कोई और एग्जांपल देखें इसका, जैसे वर्षा प्लस ऋतु, वर्षा प्लस ऋतु, तो प्लस से पहले स्वर बताओ मित्रों सह में, आराम से ढंग से देखना इस एग्जांपल को, वर्षा प्लस ऋतु को, प्लस से पहले स्वर है मित्रों आ, आगे स्वर है मित्रों री, लास्ट में बच गया तू। हमारे पास दो स्वर जो निकल कर आए हैं वो है आ प्लस री, आ प्लस री क्या बनेगा मित्रों, अर। लिख देंगे दोनों के स्थान पर अर, आगे पीछे जैसा है वैसा का वैसा लिखेंगे, कंप्लीट को जोड़कर लिखेंगे। देखो मित्रों आधा स, इसके जस्ट बाद ए स्वर है, स में ए जुड़ेगा, श पूरा, आगे स्वर नहीं है रह के, लेकिन रह आधा है, तय से पहले पढ़ना है तो तय के ऊपर जाएगा और शब्द बनता है वर्षतु। हालांकि देखने में थोड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि जब अपने बोलते हैं तो इसके ऐसे लिखते हैं कि वर्षा प्लस ऋतु, यानी वर्षा ऋतु बोलते हैं डायरेक्ट अपनी शब्द को, वर्षा ऋतु बोलते हैं, लेकिन जब शब्द जोड़ करके बनाते हैं संधियुक्त जब शब्द बनेगा तो ये बनता है वर्ष ऋतु, या जैसे देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, प्लस से पहले व में स्वर ए, आगे से उठाएंगे रे और लास्ट में बचाता है सी, दोनों के स्थान पर करेंगे अर, आगे पीछे जैसा है वैसा का वैसा लिखेंगे, कंप्लीट को जोड़ देंगे आधा व जस्ट बाद ए, तो व में ए जुड़ जाएगा, वह आपका पूरा हो जाएगा, रह आधा है तो जाएगा से के ऊपर और शब्द बन जाएगा मित्रों ये देवर्षि। या जैसे एक दो एग्जाम्पल और करवा देता हूं आपको, महा, जैसे हित प्लस उपदेश, नॉर्मल शब्द आते रहते हैं, हित प्लस
उपदेश। केवल प्लस से पहला प्लस के बाद वाला ही देखना होता है मित्रों। प्लस से पहले देखो स्वर कौन सा आपका तय में स्वर कौन सा दिखाई दे रहा है मित्रों, तो तय में आपका स्वर है यहां पर ए, तो ए को बार करेंगे तय आपका आधा हो जाएगा, आगे से उठाएंगे अपने उ, लास्ट में बच गया देश। मतलब अपने पास जो स्वर जो बाहर निकल कर आए हैं वो है ए प्लस उ, ए प्लस उ, क्या बनाएंगे ओ, दोनों को हटाएंगे यहां पर लिखेंगे ओ, आगे पीछे जैसा है वैसा का वैसा लिखेंगे, कंप्लीट को जोड़कर लिखेंगे आधा तय, इस पर मात्रा किसकी आ जाएगी ओ की, शब्द बनेगा हितो। यहां पर देखो मित्रों प हमने छोड़ दिया तो प और आ जाएगा हितोपदेश, हितोपदेश पुस्तक है कि हितोपदेश, तो हितोपदेश शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार से जैसे कोई और एग्जांपल करते हैं महा प्लस ईश, प्लस से पहले है में स्वर कौन सा है मित्रों आ, आगे से क्या उठाएंगे ई, आ प्लस ई क्या बना देंगे ए, जोड़ेंगे आधा है इसमें क्या जुड़ेगा ए, तो क्या बनेगा हे और शब्द बनेगा महेश। तो आशा करता हूं मित्रों कि मेरे द्वारा समझाए गए ये जितने भी एग्जांपल समझाए हैं मैंने सारे आपके समझ में आए होंगे। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या काफ़ी बड़ी दिक्कत आ जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको 100% सेटिस्फाइड करूंगा। इसके अलावा अपने जल्दी लौटेंगे भाग 3 के साथ, और भाग 3 काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि उसके अंदर अपने पढ़ने वाले हैं कि कहां पर छोटी मात्रा आती है और कहां पर बड़ी मात्रा आएगी। तो इसी प्रकार से मेरा सहयोग और मेरे सपोर्ट करते रहना मित्रों, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना, और मैं आपके लिए इसी प्रकार से नए नए वीडियो लाता रहूँगा। तो इन्हीं सुन शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत।